Hey everyone, my name is Anurag Singh. Welcome you all on my YouTube channel Anurag CBSC. In this video, I explain you all what is the difference between biodegradable and non-biodegradable. तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा. चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि क्या होता है डिफरेंस बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम देखते हैं. बायो डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है ऐसे वेस्ट जिनको आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से एनवायरमेंट में डिग्रेड किया जा सकता है और उससे कोई नेचर में ज्यादा हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा, दोज वेस्टेज विच कैन इजिली डिग्रेडेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नॉन टॉक्सिक सबस्टांसेस इज नोन एज, के का मतलब होता है नोन एज बायो डिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब ऐसे वेस्ट है जिसको आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड किया जा सकता है, नेचर में सड़ाया गलाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसका एग्जांपल क्या होगा, पेपर, वुड, बोन्स, मसल्स ईटीसी. इनको सड़ाने से इन्वायरमेंट में या फिर इनको गलाया जाए इन्वायरमेंट में तो हमारे नेचर को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसका डेफिनेशन होता है दोज सबस्टांसेस और दोज वेस्टेज विच डज नॉट इजली डिग्रेडेड इंटू दोज सबस्टांसेस विच डज नॉट इजली डिग्रेडेड विद द हेल्प of microorganism is known as non-biodegradable waste. तो ऐसे waste जिसको आसानी से प्रकृति में सड़ाया गलाया नहीं जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसका एग्जांपल क्या होगा, प्लास्टिक, पेन, प्लास्टिक हो सकता है, पेन हो सकता है, मार्कर, और भी होता है जैसे डीडीटी होती है जिसका खाद में प्रयोग किया जाता है ईटीसी. तो ये सब एग्जांपल होता है किसका, नॉन बायोडिग्रेडेबल का, और ये होता है बायोडिग्रेडेबल का. आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद. मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.